हेलो दोस्तों, एक एनआरआई ने थल सेनाध्यक्ष श्री विपिन रावत जी को जनरल डायर की उपाधि दी है तथा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं श्री दीक्षित जी, उन्होंने उनको जो है गली के गुंडा की उपाधि दी है। तो जो मिस्टर चटर्जी हैं वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो उनका जैसा कि अरुंधति राय और जितने भी ये लेफ्टिस्ट हैं वो हमेशा से जो है जो हिंदुस्तान की फौज है उसके खिलाफ रहे हैं। जब चाइना वार हुआ तब भी वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, उस टाइम पे केवल सेना के खिलाफ ही नहीं, वो हिंदुस्तान के ही खिलाफ थे कि भाई उन्होंने हिंदुस्तान का सरकार का साथ नहीं दिया था उस वार में, जो हमारे वामपंथी लोग हैं। तो उनका कहना कहीं से कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि वो श्री विपिन रावत जी को जनरल डायर कहें, ठीक है ना, क्योंकि जनरल डायर के आदेश पर ही उस जो है जलियांवाला बाग में उनके जो सिपाही थे उन्होंने गोलियां चलाई थी, ठीक है। और तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने जनरल डायर को जनरल डायर की उपाधि जो है श्री विपिन रावत जी को दी है। परंतु आश्चर्य तब होता है जब कांग्रेस के भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जनरल को, जो कि उस फौज का सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसको जो है वो गली का गुंडा बता देता है। तो क्या आज तक कांग्रेस आई कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको समर्थन करती रही है? यह संदेश देना चाहते हैं संदीप दीक्षित, क्या बोलना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये प्रतीत होता है जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को पाल पोस करके खालिस्तान के लिए प्रेरित किया था, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो क्या इसी प्रकार कांग्रेस ने कश्मीर में जो ये अभी प्रॉब्लम है, क्या ये फिर सारी की सारी जो है कांग्रेस की करीधरी है? और क्या कांग्रेस ही वहाँ पर फंडिंग करती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनरल विपिन रावत ने दिल्ली में कोई ऐसा गुंडागर्दी फैलाई हो, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई ऐसा वक्तव्य दिया, उन्होंने केवल ये कहा है कि अगर फौज के काम में बीच में कोई बाधा डालेगा तो उसे आतंकवादी माना जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये 101% है। अगर जो कश्मीरी भाई हमारे जो चुपचाप अपना घर में बैठे हैं या अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक, फौज उनको कुछ भी कहने नहीं जा रही है। फौज उनको कहती है जो उनको पत्थर मारते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पीछे बार वीडियो में जो है लोगों ने उनको पत्थर भी मारे हैं, उनकी पिटाई भी की है इलेक्शन के टाइम में। तो क्या संदीप दीक्षित और कांग्रेस आई ये कहना चाह रही है कि जो जनरल रावत कश्मीर में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी है? और वो गुंडागर्दी किन के खिलाफ है? आतंकवादियों के, या जो नॉर्मल कश्मीरी है जो अपना काम से काम कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? किसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? जनरल रावत। और तो अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं तो क्या यह है कार्यवाही एक सड़क छाप गुंडे की कार्यवाही की तरह है? संदीप दीक्षित कहना क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस आई वहाँ पर आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, जैसा कि अभी पीछे से मणिशंकर अय्यर जो है वहाँ पलगावादियों से मिले, उससे पहले वो पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो है मोदी को हराने के लिए वहाँ की जनता से अपील की थी, मानो कि वो वहाँ की जनता जो है मोदी को हरा देगी और वोटिंग वो करती है यहाँ पर। यहाँ पर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान चुनता है, ठीक है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कश्मीर की जो समस्या है 90 के दशक से, उससे पहले कोई समस्या नहीं थी इतनी बड़ी कश्मीर के अंदर, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो क्या ये सब कुछ किया धरा कांग्रेस आई का है? उसने जो है आतंकवाद कश्मीर के अंदर फैलाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल के, क्या यह है आतंकवाद जो है कश्मीर के अंदर, क्या यह है कांग्रेस आई प्रायोजित है? चूँकि जनरल रावत ने कश्मीर जो है उसमें जो आतंकवादी है उनके खिलाफ अभियान छेड़ के रखा हुआ है,
जैसा कि कांग्रेस के राज में होता था कि आतंकवादी को पकड़िएगा मारिएगा मत, परंतु अब सीधा ठोका जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कश्मीर के अंदर प्रायोजित आतंकवाद है ये पाकिस्तान तथा कांग्रेस आई के द्वारा मिलकर के फैलाया जा रहा है, इसको प्रमोट किया है इन लोगों ने, इससे साफ साफ संदेश जाता है। और जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी मोदी के राज में, उसमें जो है काफ़ी हल्ला मचा था, लोगों ने सबूत मांगे, उसमें आप पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं निरुपम रॉय, उन्होंने भी मांगा और लोगों ने भी मांगा, ठीक है कि भाई सबूत दीजिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कांग्रेस ने कि भाई हमारे टाइम में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, बिल्कुल होती थी, परंतु जितने भी भूतपूर्व उस पर जो रिएक्शन लिया गया, भूतपूर्व जितने भी सेना अध्यक्ष थे उन्होंने भी स्वीकार किया है कि स्ट्राइक उन कांग्रेस के टाइम में भी हुई, परंतु वो इतने बड़ी मात्रा में नहीं हुई, छोटी छोटे उसमें हुई हैं, और उसमें जो है सरकार का कोई आदेश नहीं होता था, यानी कि मोदी के शासन में खुल करके मोदी सरकार ने कहा है कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के टाइम में होती थी उसका उस सरकार से कोई संबंध नहीं था, कांग्रेस की सरकार से, यदि उसमें जवानों को कुछ होता हो जाता है तो वो जिम्मेदार जो थी वो या तो जनरल की होती थी या जो उस यूनिट का कमांडिंग अफसर होता था उसकी होती थी, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो जबकि सभी जनरलों ने कहा कि इस प्रकार का आदेश कभी कांग्रेस आई के शासन में नहीं दिया गया, इस प्रकार से फौज का साथ किसी सरकार ने नहीं दिया कांग्रेस की, तो यानी कि श्री दीक्षित जी ने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई हम कश्मीर के अंदर इस प्रकार का आतंकवाद जारी रखेंगे, और तुम्हें जनरल रावत को कहा है कि अगर तुम्हें गली के गुंडे की तरह बर्ताव उनके साथ में करना है तो हम तुम्हें गली का गुंडा ही कहेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो कश्मीर में जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इस देश के, ये कांग्रेस की और पाकिस्तान की मिली भगत है, ठीक है ना, ये नॉर्मल कश्मीर के द्वारा नहीं किया जा रहा, जो नॉर्मल बंदे हैं कश्मीर के उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह एक किस्म से कांग्रेस के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है, और इसीलिए इनको ज़्यादा दर्द है क्योंकि उस फंडिंग से इनको भी पैसा मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है विदेश से, और उसमें ये अपना कारोबार अपना धंधा अपना पेट अपना बच्चों का पेट भरती है कांग्रेस आई के जो नेता लीडर हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इस कांग्रेस ने पिछले 30 साल में, जिसमें कि इनका कम से कम 20 साल तक शासन रहा है, इन्होंने जो है हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है और एक शासन चलाया है ठीक है, और लोगों को अंधेरे में रखा है, और यहाँ तक कि ये लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, परंतु यदि कोई हिंदू ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेता है तो उसको एकदम हिंदू आतंकवादी घोषित इस सरकार ने किया है, भगवा आतंकवादी। भगवा आतंकवादी का मतलब होता है कि हिंदू, चूंकि भगवा तो वही हैं और तो कोई भगवे हैं नहीं, यानी कि हिंदू आतंकवादी हैं, परंतु जो कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं उनकी कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई जाति नहीं है, कमाल की बात है। चूँकि उसमें जो कश्मीर के जो हमारे भाई हैं इनोसेंट भाई हैं वो पिस रहे हैं ठीक है, चाहे वो हिंदू हो वहाँ का, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, यानी कि यह एक किस्म से लोगों का अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस कांग्रेस आई ने ये सब कुछ किया धरा है कश्मीर में। जैसे कि इन्होंने भिंडरावाला के साथ में मिलकर खालिस्तान का राज रचा था, इसी प्रकार इन्होंने कश्मीर में ये किया है, अन्यथा जो चीज़ इन्होंने पंजाब में उस खालिस्तान को ख़त्म करने के लिए किया था ऐसा ही इनिशिएटिव इन्होंने कश्मीर में क्यों नहीं लिया? क्या इनको मुस्लिम वोट खसक जाने का डर था? यदि यह इस्लामिक आतंकवाद नहीं है तो फिर किस प्रकार से ये मुस्लिम आतंक इनको किस प्रकार से ये डर था कि मुस्लिम वोट हमसे अलग हो जाएंगी? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो ये मुस्लिम आतंकवाद था ना कुछ और था, ये टोटली कांग्रेस आतंकवाद था, ये कांग्रेस के द्वारा रचा गया है। ये समस्या कश्मीर में जो है जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनको कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित किया गया है। थैंक यू
एंड धन्यवाद दोस्तों। इस में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं कि ऐसा है या नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि मणिशंकर जी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह सेना के खिलाफ़ बोलते हैं, दीक्षित का, शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित खिलाफ़ बोलता है, तो मतलब क्या है। जबकि आज तक किसी भी, चाहे किसी की भी सरकार रही है, आज तक किसी व्यक्ति ने भी हमारी फौज के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं लगाया। इसका मतलब है कि संदीप दीक्षित कन्हैया के उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था महिला दिवस के अवसर पर जो है कन्हैया ने, कि हिंदुस्तान की फौज रेप करती है। इसका मतलब सीधा सीधा संदीप दीक्षित ने उस चीज़ का समर्थन किया है। तो मैं अपने देश के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या जो देश के अंदर, इस फौज के अंदर जो आपके भाई बंधु बहन मात बाप भाई हैं, या भतीजा जो है या बेटा जो है, क्या वह रेपिस्ट है? क्या वह किसी बेगुनाह व्यक्ति का खून बहा सकता है? क्या वह फौज में जाने के बाद एक गली के गुंडे की तरह बर्ताव कर सकता है? अब ये वक्त आ गया है कि इस कांग्रेस आई को बताया जाए कि ये तुम्हारा प्रायोजित किया हुआ कार्यक्रम है कश्मीर के अंदर पिछले 30 साल से, ये पिछले 30 साल से इनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चलाया गया है मिस्टर राजीव गांधी के टाइम से, क्योंकि तभी से ये जो है ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। उससे पहले कश्मीर को हिंदुस्तान में स्वर्ग कहा जाता था। आप देखते भी होंगे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काफ़ी शूटिंग करते थे, परंतु आजकल कोई जल्दी से डर की वजह से नहीं जाता, ठीक है। उनको डर रहता है कि उनसे पैसा मांगा जाएगा, उनको किडनैप भी किया जाएगा। तो यानी कि जो है कहीं ना कहीं यह जो प्रायोजित कार्यक्रम रहा है, इसीलिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अलगाववादी हैं उनको होटलों का, उनको सिक्योरिटी का, उनका सब कुछ खर्चा उठाने का इन्होंने पूरा कानूनी तौर पर नियम बनाए, जिससे कि उनको, इन अलगाववादियों को और आतंकवादियों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एंड धन्यवाद।